हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन इंडिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में मैं अमित कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन। आज का वीडियो बड़ा ही ट्रिकी वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैंने जो एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, और ये मैंने वो एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं जो स्टूडेंट्स आते हुए भी गलत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेजनल पीएच इन द रिप्रोडक्टिव पीरियड इज। आई नो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बट इट इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। इसका ए ऑप्शन है 3 to 4, बी ऑप्शन है 4 to 5, ऑप्शन सी है 5 to 6, और डी ऑप्शन है 6 to 7। जब क्वेश्चंस में नियर बाय रीडिंग रहती है तो स्लाइटली कंफ्यूजन हो ही जाता है एग्जाम में। यह तो हम सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज में वेजाइना की पीएच हमेशा एसिडिक रहती है, और ये चारों रीडिंग एसिडिक पीएच हैं, और इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वेजाइना का पीएच बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 to 5। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा 4 to 5। बट अगर वेजाइना की एवरेज पीएच की बात की जाए तो वेजाइना की एवरेज पीएच होती है 3.8 to 4.5 ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नर्व पासेज थ्रू द फोरामेन मैग्नम, यानी कि फोरामेन मैग्नम के थ्रू कौन सी नर्व पास आउट होती है। इसका ऑप्शन ए है स्पाइनल नर्व, बी ऑप्शन है वेगस, ऑप्शन सी है सिसरी, और डी ऑप्शन है हाइपोग्लोसल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, असिसरी नर्व। असिसरी नर्व 11th नंबर की मोटर क्रेनियल नर्व है जो कि फोरामेन मैग्नम के थ्रू पास आउट होती है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है वेगस वो 10th नंबर की मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है, और सी और डी ऑप्शन में जो असिसरी और हाइपोग्लोसल नर्व है वो मोटर नर्व है, और इन मोटर नर्वों में से जो असिसरी क्रेनियल नर्व है वो फोरामेन मैग्नम के थ्रू पास आउट होती है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, बट नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात और ध्यान में रखना, जो स्पाइनल कॉर्ड है अपनी और जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो दोनों भी फोरामेन मैग्नम के थ्रू पास आउट होती हैं, यानी कि वर्टिब्रल आर्टरी की एंट्री ब्रेन या फिर नर्व सिस्टम में फोरामेन मैग्नम के थ्रू होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, विच एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसका ऑप्शन ए है कोल्यूमिनार, बी ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड, ऑप्शन सी है स्क्वैमस, और डी ऑप्शन है ट्रांजिशनल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिश्यू। यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको अगर याद ना रहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी याद रख सकते हो कि यूरिनरी ब्लैडर में यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूटीआई में जो टी है उस टी को आप कोरिलेट कर सकते हो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से। नेक्स्ट और इजी क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन एसेंशियल होता है। इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी है प्रोलेक्टिन हार्मोन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला हार्मोन कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन हार्मोन है वो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, और अगर ऑक्सीटोसिन की बात की जाए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है सिक्रीशन या फिर इजेक्शन ऑफ द मिल्क में, बट प्रोलेक्टिन हार्मोन हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज हेल्पफुल इन द चेंजिंग द थिकनेस ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की थिकनेस को चेंज करने वाली आई की स्ट्रक्चर का हमें नाम बताना है। इसका ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी ऑप्शन है स्क्लेरा, ऑप्शन सी है सीलियरी बॉडी, और डी ऑप्शन है आयरिस। इन ऑप्शंस में से हमें यह बताना है कि इनमें से कौन आई का जो लेंस है उसकी थिकनेस को चेंज करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी आई की लेंस के थिकनेस में चेंजमेंट करती है। सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स होती है जो कि लेंस की थिकनेस को चेंजमेंट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्कोप इज स्टरलाइज्ड बाई, यानी कि एंडोस्कोप को हम किसके थ्रू स्टरलाइज करते हैं। इसका ऑप्शन ए है ऑटोक्लेविंग, बी ऑप्शन है 2% ग्लूटरल्डिहाइड, ऑप्शन सी है 2% फिनोल, और डी ऑप्शन है यूवीरेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2% ग्लूटरल्डिहाइड। 2% ग्लूटरल्डिहाइड के थ्रू एंडोस्कोप को स्टरलाइज किया जाता है, और कितने टाइम के लिए स्टरलाइज किया जाता है, 30 मिनट के लिए, यानी कि 30 मिनट के लिए एंडोस्कोप को 2% ग्लूटरल्डिहाइड में रखा जाता है।
सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहता है एंडोस्कोप को स्टरलाइज करने के लिए 2% ग्लुटरेल्डिहाइड। एंडोस्कोप के अलावा 2% ग्लुटरेल्डिहाइड से सिस्टोस्कोप, लेप्रोस्कोप, कैथेटर्स को भी स्टरलाइज किया जाता है। और ऑपरेशन थिएटर में लिए जाने वाले जो सूचर मटेरियल है उसको हम ऑटोक्लेविंग के थ्रू स्टरलाइज करते हैं, और शार्प इंस्ट्रूमेंट का हम ऑटोक्लेविंग नहीं करते हैं। और शार्प इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है 2% फिनोल, उसका यूज हम शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने में लेते हैं। नेक्स्ट और इजी क्वेश्चन है, अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा है तो आपको जरूर इसका आंसर आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, यानी कि सिमी टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए हम काम में लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है बाइल पिगमेंट, बी ऑप्शन है एसीटोन, ऑप्शन सी है बाइल साल्ट और डी ऑप्शन है एल्बुमिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? स्मिथ टेस्ट। और एसीटोन के लिए हम यूरिन का स्पॉट टेस्ट करते हैं, और बाइल साल्ट के लिए हम करते हैं हेज टेस्ट, और यूरिन में एल्बुमिन का पता लगाने के लिए हम करते हैं यूरिन का माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट। और यूरिन में जो एल्बुमिन की प्रेजेंस है वो लेस देन 30 mg पर डीएल से कम होनी चाहिए। एग्जाम में पर्टिकुलर टेस्ट का नाम देख के उसका यूज पूछ लिया जाता है। और इस जो क्वेश्चन में जो सिमी टेस्ट है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है? बाइल पिगमेंट का पता लगाने के लिए। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग सक्सनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी मे कॉज, ट्रेकियोस्टोमी का प्रोलॉन्ग सक्सनिंग क्या करेगा? इसका ऑप्शन ए है मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, बी ऑप्शन है हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी है नोजिया एंड वोमिटिंग और डी ऑप्शन है एनोरेक्सिया। प्रोलॉन्ग सक्सनिंग अगर आप पेशेंट का करते हो तो इन ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन पेशेंट में अराइज हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट। हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में अकर हो सकता है अगर आप किसी पेशेंट की प्रोलॉन्ग सक्सनिंग करते हो। और जो प्रोलॉन्ग सक्सनिंग है वो कब मानी जाती है? अगर आप किसी पेशेंट में 10 सेकेंड से ज्यादा अगर सक्सनिंग करते हो तो उसको हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग सक्सनिंग। यानी कि जो नॉर्मल सक्शन टाइम है वो 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोलॉन्ग सक्सनिंग करने पर हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन, यानी कि हॉस्पिटल में नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को किस में डिस्कार्ड किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है रेड कलर बैग, बी ऑप्शन है येलो कलर बैग, ऑप्शन सी है ब्लू कलर बैग और डी ऑप्शन है ब्लैक कलर बैग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लैक कलर बैग। ब्लैक कलर बैग में नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को डिस्कार्ड किया जाता है, रेड कलर बैग में प्लास्टिक आइटम्स को डिस्कार्ड किया जाता है, और येलो कलर बैग में जितने भी ब्लड कंटामिनेटेड थिंग्स हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है, और ब्लू कलर बैग में शार्प मटेरियल को डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए फॉलिश कैथेटर फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि फॉलिश कैथेटर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इसका ऑप्शन ए है ऑस्मोसिस, बी ऑप्शन है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है ग्रेविटी और डी ऑप्शन है परफ्यूजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेविटी। जो फॉलिश कैथेटर है वो ग्रेविटी पे वर्क करता है, इसीलिए फॉलिश कैथेटर से यूरोबैग को टेस्ट करने के बाद हमेशा यूरिनरी ब्लैडर से नीचे रखते हैं। नेक्स्ट और याद रखने वाला एमसीक्यू है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईएफआई, यानी कि हमें क्वेश्चन में एईएफआई की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, बी ऑप्शन है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इंजेक्शन, ऑप्शन सी है एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन और डी ऑप्शन है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इंजेक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। एईएफआई फुल फॉर्म क्या होती है? एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफाइलेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन ए चाइल्ड इज नॉन एज, यानी कि किसी चाइल्ड में हम प्रोफाइलेसिस के रूप में विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन ए है हेल्थ प्रमोशन, बी ऑप्शन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है ट्रीटमेंट और डी ऑप्शन रिहेबिलिटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अगर किसी चिल्ड्रेन में विटामिन ए की कमी नहीं है और अगर फिर भी हम उस चिल्ड्रेन में प्रोफाइलेक्टिक तौर पर विटामिन ए का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर करवा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यानी कि उस चिल्ड्रेन को विटामिन ए से होने वाली कमियों से पहले ही स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हील टू सिन टेस्ट इज यूज टू असिस, यानी कि हील टू सिन टेस्ट किसको असिस्ट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, बी ऑप्शन है मसल स्ट्रेंथ ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन सी है मसल कोऑर्डिनेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मसल कोऑर्डिनेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज की मसल का कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? हील टू सीन टेस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर रीनल फंक्शन इज, यानी कि रीनल फंक्शन का पता करने के लिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा होता है? इसका ऑप्शन ए है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ऑप्शन सी है सीरम क्रिएटिनिन और डी ऑप्शन है यूरिन एनालिसिस। इन ऑप्शंस में से हमें सबसे मोस्ट एक्यूरेट रीनल फंक्शन का पता करने के लिए टेस्ट बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्रिएटिनिन क्लियरेंस। जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है वो सबसे मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट होता है रीनल फंक्शन का पता करने के लिए। अगर ऑप्शन में क्रिएटिनिन क्लियरेंस नहीं दिया जाता है तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी सीरम क्रिएटिनिन को, बट अगर ऑप्शन में क्रिएटिनिन क्लियरेंस दे रखा है तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट होता है रीनल फंक्शन का पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी एज एक्सट्रोवर्टेड एंड इंट्रोवर्टेड, यानी कि पर्सनैलिटी का जो एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था? इसका ऑप्शन ए है गोल्डन अल्फर्ट, बी ऑप्शन है कार्ल जी जूंग, ऑप्शन सी है वाटसन और डी ऑप्शन है ब्रूनर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कार्ल जी जूंग। कार्ल जी जूंग ने क्या दिया था? पर्सनैलिटी का एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट और इजी क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पल्स असेसमेंट, यानी कि हमें पल्स असेसमेंट की सबसे मोस्ट कॉमन साइट बतानी है। इसका ऑप्शन ए है रेडियल आर्टरी, बी ऑप्शन है फ्यूमोरल आर्टरी, ऑप्शन सी है कैरोटिड आर्टरी और डी ऑप्शन है पोपलीटल आर्टरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है एडल्ट्स में पल्स असेसमेंट के लिए। और अगर एग्जाम में मोस्ट रिलायबल साइट के बारे में पूछा जाए कि मोस्ट रिलायबल साइट कौन सी होती है पल्स असेसमेंट के लिए, तो उसका आंसर होगा एपिकल पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइट यूज्ड फॉर ब्लड प्रेशर असेसमेंट व्हेन अपर लिम्ब ऑफ द पेशेंट आर बर्न, यानी कि किसी पेशेंट का अपर लिम्ब बर्न हो चुका है तो उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर का असेसमेंट करना है, तो हम कौन सी आर्टरी के थ्रू उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर असेसमेंट करेंगे? इसका ऑप्शन ए है पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, बी ऑप्शन है पोपलीटल आर्टरी, ऑप्शन सी है डोर्सल पेडिक्स आर्टरी और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पोपलीटल आर्टरी। अगर किसी पेशेंट का अपर लिम्ब बर्न हो चुका है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज की पोपलीटल आर्टरी के थ्रू उसका ब्लड प्रेशर का असेसमेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का अपना क्वेश्चन सेशन। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे कम से कम अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।